चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बनारस में भाजपा से उम्मीदवार हैं लोकसभा 2019 के लिए। ऐसे में हम बैरवन गांव में हैं बनारस के, जो किसानों का गांव है और यहां पर ज़्यादातर किसान हैं, किसानी करते हैं, और इनके बीच में हम आए हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशियों की नज़र है और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि यहाँ के सांसद दोबारा मोदी बने? और अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? कितना विकास हुआ है इस गांव में? क्या समस्याएं हैं? हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका पंचायत लाइव में। हम इस वक्त हैं रोहनिया विधानसभा के बैरवन गांव में और हम बात करेंगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी रहेगी रणनीति, कैसी रहेगी चुनावी समर इस बार की। आप अपना नाम बता दीजिए। नितिन सिंह रघुवंशी। नितिन जी, क्या मानते हैं दोबारा नरेंद्र मोदी यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे, कितना विकास उन्होंने किया है और किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे इस बार? इस बार अगर मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले तो काशीवासी उनको देखेंगे। जाहिर सी बात है, उन्होंने काशी के अंदर जो भी विकास किया है, वाराणसी के अंदर जो भी विकास किया है, हम सारे लोग देख रहे हैं। और विकास के नाम पे एक खाली जुमलेबाजी की गई है, एक झूठ बोला गया है। केवल बाहरी रोडों को सुरक्षित करके या रिंग वगैरह रोड को बनाने से विकास नहीं होता है। आज भी हमारे सिटी के अंदर कहीं नाले फूटे हुए हैं, कहीं यहाँ सड़क गड्ढे हैं, कहीं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन विकास के नाम पे इन्होंने कुछ किया नहीं है। बस एक काम बढ़िया किया है कि वो आए हैं, गए हैं, आए हैं, गए हैं, और जुमलेबाजी, झूठ, इमोशनल अत्याचार सारे किए हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास नहीं किया बल्कि विकास के नाम पर जुमलेबाजी की है। आपका क्या मानना है, कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है लेकिन परिवहन विभाग से संबंधित हुआ, मतलब आने जाने के रास्ते जरूर हुए हैं लेकिन गांव में विकास नहीं हुए। गांव के विकास अपने स्थान पर है। ग्राम प्रधान लोग पैसा लेकर खा जाते हैं, जो पैसे आते हैं वो जनता में मतलब पहुंच नहीं पाता। जैसे हैंडपम्प हुआ तो लोगों का हैंडपम्प पड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, पैसे जो है दिखा करके कि हैंडपम्प बना, वहाँ रास्ते हैं, सड़क है, वो भी पैसा निकाल लेते हैं। दोबारा नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे आपकी नज़र में क्या है? 5 सालों का जो उनका कार्यकाल था उसके हिसाब से आप कितना संतुष्ट हैं? पूर्णतः तो नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन एक है कि रोजगार के मामले में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया और न ही किसानों पर कोई ध्यान दिया है। विशेष रूप से तो किसानों पर ध्यान देना चाहिए। जो किसान है हमेशा अपना जो पैदावार कर रहे हैं उसकी कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई लागत नहीं मिल रहा है। पैदावार करने के बाद वो मार्केट में यूँ ही सस्ते भाव में दे देते हैं। तो आपका कहना है कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे किसानों की है और बेरोजगारी है। अपना नाम बता दीजिए। जय मुरत पटेल। आप क्या मानते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, 5 सालों में क्या विकास हम लोगों के पास जो समस्या है उसका समाधान आज तक किसी पार्टी ने नहीं निपटा। क्या क्या समस्या है? समस्या हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर में आज 20-25 साल से झेल रहे हैं, जो जबकि मोदी का ही घर है, संसदीय क्षेत्र हम मानते हैं, जो है उनका वो भी आते हैं बनारस में, कम से कम 200 बार आ चुके होंगे, लेकिन हम लोगों के बारे में आज तक कोई न कोई नेता बोला, न मोदी जी ने कभी जो है अपनी जुबान खोली कि हाँ वास्तव में किसान कितने परेशान है, कि क्या उनको लाभ मिल रहा है क्या नहीं। हम लोगों से मतलब किसानों से कोई मतलब नहीं है मोदी जी से। क्या आपकी मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है कि आज जो है हम लोगों का वही बता रहे थे जो है कि दाखिल खारिज पहले हो गया, हमने रजिस्ट्री नहीं किया है। ये कहाँ से हमारे देश में नियम लागू हो गया, कब से लागू हुआ है जो है, इसके बारे में आज तक कोई नेता ने जो है जवाब नहीं दिया जो है। कितनी जमीन है आप लोगों की? हम लोग मजदूर किसान है, किसान नहीं है, मजदूर किसान है। 25 एकड़ हम लोगों बाईपास में एकदम फ्री का जमीन दिया है, उसके बदले में हम लोगों को यही सजा मिल रहा है। किस सरकार से हम लोग कहें, किसको ही करें? हम लोग तो हमारा अगर बस चले गए तो हम पूरा एकदम चुनाव बहिष्कार करा देंगे, अपने गांव से एक भी वोट किसी पार्टी को नहीं देने के लिए तैयार। हम लोग का घर द्वार जमीन विवाद में बा, मुकदमाबाजी में बा, जनता बंधन आई देख बन, हमने के रास्ता बन, हमने के पैड़ा बन, हमने के आने जाने के बा, घर द्वार मड़ई झोपड़ी बा, बन ही नहीं देत बन, एक कुल बदे कौनो सोचना नहीं बा, एक कुल बदे कौनो विवाद नहीं बा। मोदी नहीं देख सकत बन कि नहीं देखी चल के जेकर नहीं कौन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो मकान दे रहे हैं वो गरीबों को, मकान देने वाले तो बना तो नहीं देते वाले। शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय भी हमने के घर पर को नहीं है, हमने को 2-4-10 घर है, एक नहीं है। दोबारा नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, आप लोग क्या चाहते हैं कि वो जीते कि नहीं? नो जीता तो बढ़िया, नहीं आदमी
पैसा देखा बदे के सीनी हो जाये, यही बात हो, न जीते तो बढ़िया हो। और शौचालय आवास पास तो बनल रही है, पानी कम लगेगा। आप लोगों को इतनी सुविधाएं दिए हैं मोदी जी, उसके बाद भी आप करी न जीते, क्या वजह है? मोदी देले हैं। हाँ, कौन दिया है? आलबा मोदी के राज में आलबा गौसोवन देले हैं, अखिलेश देले। क्या समस्याएं हैं गांव की आपके? समस्या सबसे बड़ी जो है साहब, हम लोग के जमीन पर नामे नहीं हो, हम लोग के लड़कन का शादी तक नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई पार्टी आएगा तो जैसे हम रहेंगे उसी आदमी से ब्याह करेगा कि एक मरीजू लगा कर उससे ब्याह करेगा? ब्याह हो गया, ब्याह पड़ गया, कैंसिल हो गया। आज हम लोग ये 25 एकड़ जमीन फ्री अपने जमीनों से काट कर दिए हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? भाजपा सरकार है, केंद्र की? भाजपा सरकार है, भाजपा ने ही नाम काटा है। लालजी टंडन का नाम आप सुने होंगे, लालजी टंडन उस समय आवास विकास मंत्री थे और खुद राइफल्स क्लब में हम लोग मीटिंग में गए थे। वो कहे, अंदर जब गए नाश्ता पानी करने तो कहा, भाई काट दीजिए नाम, ये कुनबी कोयरी छोटे छोटे कास्ट है, डर के मारे ले लेंगे। नाम कट गया। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, कोई आंदोलन वगैरह किया? हम लोग 6 बार जेल में हम लोग गए हैं। आंदोलन क्या, यहाँ इतना आंदोलन होता कि हम लोग हफ्ता में एक बार दो बार जरूर होता था, मगर हम लोग अब उठ चुके हैं कि आदमी भी परेशान होंगे, कितना कोई बुलाएगा? हर आदमी कमाने खाने वाले उनके पास कहाँ इतना टाइम है। आप अपना नाम बता दीजिए। विजय गुप्ता। विजय जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों? सबसे बड़ी समस्या है 4 गांव का, मोहन सराय, मिल्की चक, बैरवन, करना लड़ी, जो ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से आज 2500 साल से चारों गांव के किसान परेशान है। बिना मुआवजा दिए हुए नाम काट दिया। अब उनका कानूनन 5 साल बीत गया है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का रूल है, उस नियम के तहत 5 साल योजना कोई विकसित नहीं होती है। पानी पिया तो किसानों का नाम स्वतः ही, जमीन स्वतः ही छोड़ देनी चाहिए। तो सरकार से मांग है कि अब पूरे किसानों का नाम चढ़ा के सभी किसानों को जमीन मुक्त करें। नरेंद्र मोदी दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं 5 साल का उनका कार्यकाल, क्या दोबारा उनको यहाँ पे सांसद बनाएगा? भाजपा सरकार से तो कोई उम्मीदें नहीं है इस समय, अब उनका विचार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देखो। हम लोग नहीं। क्या नाम है आपका? नीरज तिवारी। क्या मानते हैं आप, क्या नरेंद्र मोदी दोबारा सांसद बनेंगे यहाँ से? क्या उन्होंने कार्यकाल कैसा था, क्या उन्होंने विकास किया है? कोई रोड बनवाए हैं और गाँव में तो कोई विकास किए नहीं। गाँव वाले तुमको वोट देंगे नहीं, क्योंकि शहर वाले देंगे। शहरी क्षेत्र में विकास किए हैं, गाँव में कोई विकास नहीं किए, यहाँ तक कि हम लोगों का नामा नहीं चढ़ा, तक जमीन पर नामा नहीं, हम लोग परेशान हैं आज 25 साल से। और रैया बारी तो हमको नहीं उम्मीद है कि प्रधानमंत्री बनेंगे। इनका कहना है कि गांव में विकास नहीं हुआ, शहर में हुआ है, इस वजह से गांव के लोग उनको वोट नहीं देंगे, गांव के लोग नहीं चुनना पसंद करेंगे। आप बताइए, जल मार्ग से उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनारस से हल्दिया तक उन्होंने नाव चलाया, बंदरगाह यहाँ पर स्थापित हुआ, क्या आप इसको विकास में नहीं देखते हैं? पहली बात तो मैं, जो जल मार्ग से उन्होंने जो भी विकास करना चाहा, तो सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश या प्रदेश का मुद्दा है मजदूर, किसान, बेरोजगार, महिला, बच्ची, अत्याचार। तो सबसे पहले इनका विकास, देश प्रदेश रहे हमेशा खुशहाल, तो पहली प्राथमिकता ये बनती है कि पहले यह भाई हमारे, क्योंकि इन्हीं से हमारा हिंदुस्तान है। मजदूर भाइयों से हमारा हिंदुस्तान है, किसान भाइयों से हमारा हिंदुस्तान है, बेरोजगार भाइयों से हमारा हिंदुस्तान है। तो पहली प्राथमिकता बनती है, चाहे किसी की सरकार हो, सरकारें किसी की हों, लेकिन पहली प्राथमिकता बनती है कि यह भाई हमारे खुशहाल रहें, क्योंकि यह हमारे भाई खुशहाल रहेंगे वही एक अच्छी राष्ट्र है और एक अच्छे लोकतंत्र। बकिया रही बात और विकास की बातें, तो अर्थव्यवस्था की जो भी विकास कर रहे हैं तो उनमें वो अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए जिसमें किसान भी खुशहाल है, मजदूर भाई भी खुशहाल है और एवं बेरोजगार भाई भी हमारे खुशहाल हैं। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। अनिल जी, रिंग रोड बना जो कि पिछले भाजपा सरकार में जब अटल बिहारी जी थे तो पास हुआ था, प्रोजेक्ट था, मोदी जी आया तो उन्होंने उसको बनवा दिया, क्या आप इसको विकास के तौर पे देखते हैं? क्या इस मुद्दे से या रिंग रोड की वजह से गांव शहर दोनों को जोड़ा गया, गांव में भी लोगों को फ़ायदा हुआ, तो क्या इससे नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव लड़ने कोई फ़ायदा होगा उनको? सर, बाहरी विकास दिखा करके और सबसे मूल चीज़ें हैं कि जो यहाँ के शहर के या ग्राम सभा की आप सड़कें जाकर के देखें, अगर खुद जाकर देखें तो हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा विकास बाहरी लोगों को दिखाने से, बड़े बड़े लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए तो भले हुआ हो, लेकिन मूलतः हमें लगता है कि बनारस के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। हम तो इतना समझते हैं कि कोई हमारे बनारस वासियों को कोई लाभ नहीं हुआ है और हमारी समझ से इस बार बनारस की जनता ने मूड बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को हम लोग हराएंगे। इनका कहना है कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है और इस बार बनारस की जनता ने मूड बनाया है कि नरेंद्र मोदी को हरा के रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद और बात करेंगे लोगों से और जानेंगे
कि क्या है इस बार का मुद्दा जिससे नरेंद्र मोदी को या फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पंचायत लाइव में। हम बैरवन गांव में हैं, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण ज़्यादातर किसान हैं और इनके मुद्दे बहुत गंभीर हैं। क्या मुद्दा है आपका, किस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी को वोट देना चाहेंगे आप? अच्छा, कि मुद्दा सबसे बड़ा हम लोगों का ज़मीन का है और ज़मीन में जो है ट्रांसपोर्ट नगर हम लोगों को बहुत परेशान कर रही है। इसमें जो है हम लोगों का नाम काट दिया गया है और पैसा भी नहीं दिया है और कोई भी सरकार आज तक हम लोगों का जो है सुनने वाला नहीं मिला। आप लोगों ने खून से पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री को, क्या सुनवाई हुआ, किस तरह का आंदोलन था वो? अच्छा, कि हम लोग खून से भी मतलब पत्र लिख करके प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के दिल्ली तक हम लोग दे दिए हैं, लेकिन कोई आज तक नहीं सुनने वाला मिला, ना तो कोई देखने वाला, ना पूछने वाला कोई। मुख्य शिकायत आप लोगों की क्या है? जमीन अधिग्रहण हुआ था, उसका मुआवजा मिला कि नहीं मिला, उसका आपको मूल रेट मिला कि नहीं मिला, क्या आपकी मांगे थी? अच्छा है कि हम लोग का जमीन जो है अधिग्रहण हो चुका है, पैसा नहीं लिए हैं, फिर भी हम लोगों का नाम काट दिया गया है, नाम जो है खतौनी पर नहीं है, कोई सरकार का सुविधा हम लोगों को नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का कोई आफत वगैरह सब आता है, या आज जो मोदी जी ने दे रहे हैं 2000 रुपये वो भी जो है हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों के ज़मीन पर नाम नहीं है, ज़मीन होते ही हम लोग परेशान हैं। कितनी बार हम लोग धरना दिए, प्रदर्शन किए, जो है कि अधिकारियों के पास जो है कंप्लेन दिए, लेकिन आज तक कोई न पूछने आया, ना कोई जो है हम लोगों के समस्या के बारे में कभी चर्चा ही किया जो है, कि आखिर लोग कैसे जिएंगे, खाएंगे, कैसे रह रहे हैं लोग। ब्याह शादी के लिए लोग परेशान हैं, कहीं विसा दो विसा जमीन भी रहनी नहीं रख पा रहे हैं, न तो कोई सरकारी सुविधा जो आता है, सूखा राहत के बारा है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं। मोदी योजना तो लगा दिए जो किस किसान को दे रहे हैं, जो हम लोगों को कोई अपनी खापा नहीं मिल रहा है, तब किसको दे रहे हैं, कौन सा लाभ हमको मोदी सरकार से मिल रहा है, इसलिए हम मोदी के खिलाफ हैं एकदम। जो चलिए, आप मोदी के खिलाफ हैं, आपका क्या कहना है, किस तरह से विकास को देखते हैं पिछले 5 सालों में? सब 5 साल से दूर हम लोग 20-25 वर्ष सब लोग परेशान है, यही भाजपा पार्टी लालजी टंडन आवास विकास मंत्री हम लोग का नाम कट रहे हैं, कहीं कुछ भी कोई भी छोटे छोटे जाते हैं डर के मारे दे देंगे, नाम काट दीजिए, पूरे गांव का नाम काट के हम लोग पैसा नहीं लिए। अब बैरवल गांव ऐसा है कि 70% लोग 5-20 वाले हैं, 4-4 बच्चे हैं, रहने भर की जमीन नहीं है, वो देकर कहाँ जाएंगे? जो जमीन आपसे अधिग्रहित हुई है, क्या आप उस पर खेती करते हैं या उस पर क्या? अरे कक्का बारू लोग आए, हम लोग मारे उनको, एक मध्य प्रदेश के नेता कोई आए थे, कहा कि देखो आप लोग मार दोगे तो रास्ता लग जाएगा, तो कहा सर हम लोग जमीन छोड़ दें, कहा नहीं नहीं हम रास्ता बता रहे हैं। औरतों का एक ग्रुप बनाइए, 10-20 औरत, एक झौली नाम का औरत रहा, बहुत फरार रहा, ओके हम लोग का घर बना के 2 अधिकारी के मरवा गए चप्पल से, तब से यहाँ कोई आवत नहीं, कौन जाएगा वहाँ लाद खाने? तो उस जमीन पे क्या आप अभी खेती करते हैं? सब का उन्हें छोड़ दो साहब, जो भैया उन्होंने चियावल जाए या हमें मार दे गोली से ले लें बिना पीछा में, हम लोग ले जाए। राहुल गांधी जी को आप लोगों ने खून से पत्र लिखा था? हाँ साहब, जरूर लिखल गए। क्या लिखा था आपने, क्या मांगे थे? वही बस यही जमीन से हम लोग का नाम चढ़ा जाए, हमको जमीन वापस कर जाए। राहुल गांधी से मांगे थे कि नरेंद्र मोदी से? राहुल गांधी से मांगे थे। तो राहुल गांधी उससे मेरा रहना है, नरेंद्र मोदी के दिल्ली में हम लोग लेकर दिल्ली रही, यही मुन्ना भैया लिया गया, लिया गया कम से कम 40-45 आदमी हम लोग गए। लगभग कितने लोगों ने खून से पत्र लिखा था? लगभग 350। 350 लोगों ने खून से पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई अभी तक कोई जवाब नहीं आया? जवाब नहीं आया। कोई अधिकारी या कोई मंत्री आया मौके पर? अरे हमको तो उम्मीद है कि कांग्रेस जो है हमारा समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि उन्हीं ने कानून बनाया है और कानून के तहत हम लोग उनसे मिले भी थे कि आपका सुनवाई नहीं हो रहा, आपके कानून का कहाँ अवश्य होगा, मगर इस समय भाई अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, इनको कांग्रेस से उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? अब यह तो वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी इनके वक्त पे खरी उतरेगी। प्रत्याशी भी घोषित नहीं है अभी तक, प्रत्याशी घोषित, लेकिन जो भी पार्टी इनके लिए खरी उतरेगी यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इनका मुद्दा बहुत बड़ा है। मुद्दा यह है कि हमारे किसान भाई 350 ऐसे भाई है जो खून से लिख के दिए हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सोची है, और वह कोई भी सरकार हो तो सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि बैरवन गांव जो कि रोहनिया विधानसभा के अंदर है, जहां के हमारे प्रेजेंट टाइम वर्तमान के सांसद पीएम साहब हैं,
माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी यहीं के पीएम हैं और यहीं के सांसद हैं, उसके बावजूद भी हमारे भाई आज उनकी जमीनें 20-25 साल से जो कि थी अब बिना रजिस्ट्री के, यह देखिए यह व्यवस्था सरकार की देखिए कि बिना रजिस्ट्री हुई है उनका दाखिल खारिज हो गया। प्रेम जी ये बताइए कि नरेंद्र मोदी यहाँ दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग उनको वोट देंगे, उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? उनको कार्यकाल से हम लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, ऐसा बात है कि हम लोग इतने समय से लड़की लड़के का हाथ पीला नहीं हो रहा है, ना तो किसानों के पास पैसा है, ना रोजगार है, कोई धंधा है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, इतने करार पर हो जाएंगे कि वे बच्चे यहाँ के निष्कृष्ट काम करने पर तैयार हो गए हैं। काफी संख्या में महिलाएं और किसान यहाँ के पुरुष जो हैं खून से पत्र लिखे थे, किससे आप लोगों ने मिला और क्या आप लोगों की मांगे थी? हम लोगों की मांगे थी कि हम लोगों को भाजपा सरकार बहुत किसानों के साथ छलावा कर रही है, इतना ही छलावा कर रही है कि लड़कियां 22 वर्ष के 24 वर्ष के लड़के भी 28 वर्ष के हो गए, उनकी शादी नहीं हो रहा, कोई पार्टी आ रहा कि जमीन है कि नहीं, कहते नहीं जमीन नहीं है, कह शादी चलो यहाँ से। मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में 4% कटौती होता है चकबंदी द्वारा, और यहाँ जो है कि 10% कटौती क्यों हुआ, यह तो हम मोदी जी से पूछे या तो वो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं इनसे पूछे या डीएम से पूछे कि इससे 10% कटौती काट करके यहाँ से बाईपास निकाल दिया गया। हम लोग मोदी जी से यही कहूँगा कि आप चुनाव लड़ा जीता हारा उसे हमसे मतलब नहीं है, मगर सवाल है कि हम लोग का नाम ही वापस कर दें। तो बैरवन गांव के लोग किधर जाएंगे, भाजपा की तरफ जाएंगे, कांग्रेस की तरफ या महागठबंधन की तरफ? कोई तरफ नहीं जाना, मूड बना है गांव का, हम लोग वोट देबा नहीं करेंगे किसी को वोट देना हम लोग को मंजूर नहीं है, मतलब गांव के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ चलिए, काफी नाराजगी है यहाँ पे गाँव में, आपके हिसाब से बैरवन गाँव के लोग किधर जाएंगे, कांग्रेस भाजपा या फिर महागठबंधन? देखिए जो यहाँ के किसान जिस हिसाब से दुखी हैं और हमें तो लग रहा है कि जो सत्ता शासन सत्ता चल रही है भाजपा की और भाजपा के लोग जो हाव भाव दिखाने की बस कोशिश कर रहे हैं और ऊपरी हाव भाव, तो इससे तो लगता है कि जनता यहाँ की जनता में एक आक्रोश है, जनाक्रोश है और बहिष्कार कर रही है, लेकिन लोकल हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से सुनने में आ रहा है कि कुछ लोकल काशी के ही कुछ दल यहाँ से कुछ प्रत्याशी आने वाले हैं और जहाँ तक लग रहा है कि उसी पे सारे लोगों की निगाह टिकी हुई है काशी की पार्टियों की। यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी खफा हैं भाजपा सरकार से और इनकी मांगे जो थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कोई हाल नहीं पूछा, लिहाजा यहाँ के गाँव के लोग जो हैं इस बार वोटिंग से बहिष्कार करने के मूड में हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पंचायत लाइव में, हम हैं बैरवन गांव में, यहां के ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित है, काफ़ी खफा हैं भाजपा सरकार से और खासतौर से नरेंद्र मोदी से। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी बनारस कितनी बार आए गए लेकिन जो बैरवन गांव की समस्या है जो सालों से चली आ रही है, जो जमीनी समस्या है, किसानों की समस्या है, खेतीबाड़ी की समस्या है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा यहाँ के लोग काफ़ी आक्रोशित है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग यही चाहेंगे हम लोगों को जमीन पर नाम चढ़ा दें, हम लोगों को खैरात नहीं चाहिए, हम लोगों को खैरात नहीं चाहिए, हम लोगों को नामीन चढ़ा दे, हम लोग बहुत छोटे छोटे किसान हैं, एक एक परिवार में 20-20 10-10 परिवार है, कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे, बसने के लिए सरकार को तो हम खुद ही जमीन दिए हैं। कितने गांव के लोग पीड़ित हैं यहाँ पे? यहाँ पर 4 गांव के पीड़ित हैं। रोजगार का तो कोई प्रश्न नहीं है, रोजगार तो कुछ भी नहीं मिला, गाँव में थोड़ा बहुत जो अंजर बंजर जमीन था वो भी जो है कुछ लोग हथिया लिए हैं, जो है उसका कोई रास्ता अभी आने जाने के बड़ा दिक्कत है। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो हम लोगों का 20-25 साल से जो है हम लोग जो झेल रहे हैं, इससे बड़ा अब कुछ नहीं, हम लोगों को मौत के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, किसी सरकार से नहीं, मोदी से तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनका ना शौचालय चाहिए, ना तो हमको ये जो 6,000 रुपया बीघे का जो है दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस उनके पास अगर कोई अथवा कानून हो, समय हो, तो वो खाली हम लोगों का नाम जो भी हमारे पास बिस्सा तो पिसा हम लोगों का वापस कर दें, और मोदी से कुछ भी हमको नहीं चाहिए, है ना, तो हम लोग वोट देंगे मोदी को। इस गांव में युवा नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ है युवा? युवा इस समय अपने अपने काम पर लगे हुए हैं।
अब मोदी सरकार में तो कोई युवाओं को जो है नौकरी रोजगार दिया नहीं गया, वो सब परेशान हो गए किसी प्राइवेट संस्था में, कहीं जो है किसी फैक्ट्री में कुछ पैसे लेकर के जो है काम कर रहे हैं। युवाओं को बड़ी परेशानी हो रही है, खेती में दिक्कत है, रोजगार नहीं है, घर का खर्च कैसे चल रहा है, क्या बताए साहब, बहुत बड़ी समस्या है। यही लड़के गेंदा फूल लगा के थोड़ा फुनवी काट के कुछ रहे, नमक रोटी चल रहा है, जिसमें 25 वर्ष से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और न कभी कोई अब सूखा रहा या कुछ मिलता है, वो मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट देने के पक्ष में नहीं है। कोई पार्टी अगला बढ़ता रहेगा उसको बढ़ा देंगे, मगर इन्हें नहीं। मलवा किसान भाई जो अपने हाथों को काट के खून से खत लिखे, वो भी डायरेक्ट पीएम साहब को लिखा गया है, जो कि पीएम साहब हमारे काशी के सांसद भी हैं और यही से प्रधानमंत्री बने हैं, और खून से लिखा गया, उसके बावजूद भी यहाँ सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उनको जमीन देने के बाद, यह लोग अपनी निजी जमीन 20 एकड़ जमीन दिए हैं, उसके बावजूद भी इनका जमीन पर से नाम हटा दिया गया है, और जो कि बिना रजिस्ट्री के खतौनी में नाम आ रहा है। सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस कितना नुकसान कर रही है, क्योंकि सपा बसपा जब नहीं थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब सपा और बसपा के वोटर्स जुड़ेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के जो इस बार का जो चुनाव है कितना प्रभाव उस पर डालेंगे। अब देखिए, गठबंधन की जहां तक बातें रहेगी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बुआ लुटेरी भतीजा लुटेरा यूपी रहेगा। भू रोजगार के विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे, कितना रोजगार मिला युवाओं को? रोजगार एकदम कतैया नहीं मिला। मोदी जी चाहे जो अपने मन से कहा न कहा, मगर हम लोग को मोदी जी से क्या कुछ आज तक ही नहीं मिला। कहते हैं कि नहीं गरीबी मिटा देंगे, अरे गरीबी मिटाओगे कहने से नहीं होता है, काम करने से होता है। तो इसलिए हम लोग तो केवल एक ही मुद्दा है कि मोदी जी से कहना हम कि यहाँ 8 गांव को मोदी जी गोद लिए, क्या बैरवन में एक बार आकर के खेती नहीं देख सकते हैं कि बैरवन गांव कैसे जिंदा है कैसे नहीं? यहाँ हम लोग 8 प्रांत में यहाँ का वो पौधा बेचते हैं जो गले में पड़ता है मोदी जी को, वह बैरवन गांव से ही जाता है। ऐसा कोई परिस्थिति मोदी जी के सामने नहीं है कि यहाँ कम से कम आकर के वो एक बार देख ले कि वास्तव में बैरवन गांव बनारस में कैसा विकसित देश है। आकर के वो देखेंगे तो पूरे 4 किलोमीटर में केवल बिया ही बनता है, और 8 प्रांत को हम लोग भेजते हैं। हम लोग वह किसान है कि अपनी बाहुबल से खेती करके के मोदी जी के गले में माला पहनाने का काम करता हूँ। यहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ गेंदे की खेती होती है और जो मोदी जी माला पहनते हैं वो बैरवन गांव से ही जाता है, लिहाजा उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बनारस आए लेकिन बैरवन गांव में वो नहीं आए। तो यहाँ पे किसान काफ़ी दुखी हैं और आक्रोशित भी हैं, इसलिए वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। लाइव टुडे के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।